देखिए, स्टोरी बताते बताते मुझे जेल नहीं जाना है, इसी वजह से मैं जिस महिला के बारे में बात करने वाला हूं, अभी आपको बताने वाला हूं, उसका नाम मैं छुपा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने नाम बताया तो हो सकता है कि पुलिस कल को मेरे घर पे आए और मेरे को उठा के लेके चली जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, फोटो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकता हूं, इस स्टोरी से आपका भला होने वाला है। एक तो आपको बहुत खौफनाक सा एक षड्यंत्र के बारे में मैं बताऊंगा, उस खौफनाक षड्यंत्र को देख करके आप सीखोगे। दरअसल ये 30 साल की महिला है, और जिस थाने में ये केस चला है वो थाना है भिलाई का। भिलाई में एक नंदनी थाना है, यहीं का ये पूरा मामला है। यहाँ पे 30 साल की महिला जाती है और जो पुलिस को बताती है, पुलिस एकदम चौंक जाती है। मतलब कहे ना कि एकदम फेस देखने वाला हाल हो जाता है कि भाई ये इनका फेस देख रहे हैं, वो उनका फेस देख रहे हैं। महिला की ही गलती होती है, 30 साल की जो महिला थी उसी की गलती होती है। लेकिन क्योंकि अब तो वो पुलिस के पास पहुंची कि बचा लो बचा लो, तो पुलिस भाई महिला का सपोर्ट करेगी ही, और महिला अब सपोर्ट कर रही है, सॉरी पुलिस अब सपोर्ट कर रही है, महिला तो फंसी हुई है। खैर, स्टार्टिंग से देखो, हम आप बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट पे जाते हैं, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हमने एक्सेप्ट कर लिया, 4 दिन में दोस्ती हो जाती है, 5वें दिन बात चलने लगती है, और फिर तो भाई अपना भाईचारा सा बन जाता है। पर भाई और चारा में अंतर होता है। जो सामने वाला होता है, जिसको हम नहीं जानते और जिसका हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है ना जानते हुए, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। 30 साल की महिला, इनके पति को क्या था कि वो हफ्ते हफ्ते बाहर रहा करते थे, अब ये पड़ जाती थी घर पे अकेले। अकेले भी पड़ो तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी करने लगोगी, पर फिर भी ये कुछ भी करती थी। इनको एक आदत सी लग गई थी दोस्ती करने की, सोशल मीडिया पे मित्र बनाने की, सो कॉल्ड मित्र। होता है ना, अंदर के हार्मोन्स जब जागते हैं। तो ये महिला क्या करती हैं कि तलाश करती हैं इंटरनेट पे, पहले भी आदत रही होगी। खैर, मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप भी करते हो या फिर आपका दोस्त करता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उसे काम करेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे महिला को एक रिक्वेस्ट आता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये रिक्वेस्ट मैं बता देता हूं कब आता है, 30 जून को, सॉरी 26 जून को रिक्वेस्ट आता है। महिला के फोन पे रिक्वेस्ट आया, महिला जब सो के उठी, देखी अरे भाई रिक्वेस्ट आया है, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत, क्योंकि बातें शुरू हो जाती हैं, और बातें शुरू होने के बाद ये बातें कब ऊपर जाने लगती हैं ये दोनों में से किसी को नहीं पता होता, या फिर कहें तो पता होता है पर ये खेल होता है, एक षड्यंत्र यहां से रचा जा रहा था। 26 जून 2024 से यहां पे बातें दोनों में चल रही हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों में दोस्ती हो जाती है। अब एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, ये धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, ये वाकई में बहुत तेजी से दोस्ती हुई, आपको अभी चंद ही बातों में पता चल जाएगा। देखिए, 26 जून को एक्सेप्ट किया गया रिक्वेस्ट, बातें चलने लगी। ये बातें इतना तेज चली कि समझ लो पर्सनल बात, जो गुप्त बात होती है ना घर की, महिला वो अपने दोस्त से बात करने लगी, जिसको वो जानती भी नहीं थी, उससे बात करने लगी। वो कहते हैं ना कि फीलिंग, थोड़ा कीड़ा काम में, काम 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 क्रोध, चलो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा वो वाली फीलिंग के साथ। अब क्या होने लगा, ये लोग प्राइवेट फोटेज भी लेने लगे, ठीक है ना, महिला दे देती थी उसको, और ये सिर्फ 1-2 दिन में ही हो रहा था। इतना ये लोग 1-2 दिन में ही डीप चली गई थी महिला, इतना था कि वॉशरूम में जाकर के नहाते हुए वीडियो कॉलिंग चल रही थी। अब नहाते हुए जाहिर सी बात है कपड़ा सब निकला ही रहेगा, तो महिला अपना नहा रही है, वीडियो कॉलिंग चल रही है, इसको भी मजे हैं, सामने वाले को भी मजे हैं। पर सामने वाला बड़ा शातिर था, सामने वाला वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहा था, मे बी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। तो वो जो भी हरकतें कर रही थी ये महिला, सामने वाला रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये 29 जून को ये सब हो रहा है, महिला 29 जून को नहा रही है,
वॉशरूम में और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो कॉल चल रहा है। 26 जून को ही रिक्वेस्ट आई है, 29 जून को ये सब हो रहा है। अब फिर क्या होता है, 29 जून को ये सब हो जाता है, वॉशरूम में नहा लिया, अब हो जाए रात, रात को भी बात हुई और उसके बाद महिला सो जाती है, पति तो अभी बाहर है, महिला इधर सो गई। और उसके बाद जब 30 जून को वो उठती है और अपना फोन उठाती है तो एक मैसेज आया होता है, महिला को लगता है ये आम मैसेज है। अब महिला तुरंत लेती है फोन और देखती है, और देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। समझ लो 30 जून को वही जो उसने वीडियो कॉल पे कर रखा था ना नहा करके, ठीक है, नहा रही थी, उसी वीडियो को वो सामने वाला फ्रेंड भेजता है कि ये देखो ये तुम ही हो ना, उसी से तो बात कर रही थी, वही रिकॉर्ड कर रहा था। अब वो भेजता है और कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो करो, अगर नहीं करोगे तो फिर तो सोशल मीडिया पूरा देखेगा ये तुम्हारा वीडियो। ये धमकी देता है उसी व्हाट्सएप पे वीडियो भेज करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज करके। अब इनके तो भाई जितना वो हवस वाली भूख चढ़ी थी ना सब शांत हो जाती है, एक मिनट में पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जाहिर सी बात है किसी की भी खिसक जाएगी। देखो मैं ये नहीं कहता कि महिला गलत थी, हो सकता है कि उसके दिमाग में उस समय वो चीजें चल रही हों और वो इमोशनली उसमें ब्लैंड हो गई हो, लेकिन गलती तो हुई है और भुगतना तो अब आपको ही पड़ेगा, वैसे ही महिला को भी भुगतना पड़ता है। अब देखो सबसे पहले तो वो पैसे की डिमांड करता है, महिला खुद को बचाने के लिए समझो 5 लाख रुपए से थोड़ा बहुत ज्यादा देती है, ट्रांसफर कर देती है उस अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के बैंक में, आप समझ रहे हो 5 लाख रुपए से भी ज्यादा। लेकिन अभी बात यहीं पे डाउन नहीं होती, बात अभी और आगे जाती है। 5 लाख रुपए देने के बावजूद भी सामने वाले की डिमांड खत्म नहीं होती, वो बोलता है और मेरे को पैसे दो। थिंक अबाउट इट, एक नॉर्मल फैमिली की महिला 5 लाख रुपए दे रही है और फिर से डिमांड हो रहा है। अब क्या करती है ये महिला 30 साल की, अपनी जितनी भी ज्वेलरीज है ना ये सब कुछ बटोरती है, ज्वेलर को देती है, उसके बदले में पैसा लेती है और उसके बाद ये भी पैसे उसको दे देती है। डिमांड अभी भी नहीं रुकी, थिंक अबाउट इट, ज्वेलरी गई, पैसे गए, ट्रांसफर हुए बैंक में, पर ब्लैकमेलिंग अभी नहीं रुकी। कहते हैं ना कि डिमांड बढ़ती रहती है और यही बात यहां पे हो रही थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी सामने वाले की। फिर अब क्या होता है, महिला अब क्या ही करे भाई, तो अब महिला को लगता है कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं बेचने को, या तो मैं घर बेच दूं या फिर खुद ही खत्म हो जाऊं। बात तो इज्जत वाली है, उस समय तो इज्जत पता नहीं थी पर अभी बात इज्जत वाली है, घर पे पता चलेगा तो क्या होगा। तो महिला कैसे भी निकलती है, भिलाई की ये बात है, नंदिनी थाने में जाती है और उसके बाद वहीं पे रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस को जब ये सब बताती है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा सब हो गया है क्या, मतलब मुंह बन जाता है एक तरीके से। लेकिन तुम एक बात जानो, पुलिस वालों के पास बहुत सारे दिन में केसेस जाते रहते हैं, दिन में 2-4 तो चली जाते हैं कितना भी छोटा क्षेत्र हो, ठीक है। तो ये जो केस है ना वो भिलाई का नंदिनी थाना क्षेत्र का था और इसीलिए ये यहाँ पे गया। अब जब पुलिस वालों को ये सब बातें पता चलती हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं जी, हम लोग इसको संभाल लेंगे, और पुलिस वाले अभी ढूंढ रहे हैं। ये केस तो यहीं पे मैं बंद करता हूँ क्योंकि पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, जाहिर सी बात है ये बैंक ट्रांसफर जो हुआ है मोबाइल से ट्रांसफर होता है तो ये सब स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, इसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, और वीडियोस में भी फुटेज तो था ही, ठीक है, या फिर नहीं था, जो भी था, पर पुलिस तो पता लगा लेगी, इतना मेरे को नहीं पता है कि पता लगा पाई या नहीं पता लगा पाई, बट पता लगा लेगी। इस केस को बताने का मेरा एक ही लक्ष्य था, आप में से कई लोग या फिर मैं भी हो सकता है आपके दोस्त लोग, फिर मैं भी हो सकता है आप भी। देखो बच्चा जब बड़ा होता है ना हार्मोन्स उसके उधर इधर उधर होते हैं, ठीक है, वो इन सभी में फंस जाता है, बहुत सारे लीक्ड चीजें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। इस जमाने में ऐसा होता है, आप भरोसा कर रहे हो सामने वाले पे, सामने वाला क्या है, सामने वाले तो आप अपने ही फंसा रहा है ना आपको। मेरे पास भी बहुत सारे फोन्स आते हैं कभी कभी, वो आपके पास भी आते होंगे अगर आपके पास फोन है तो।
इन सब चीजों से जितना बच के रहा जाए आज के जमाने में उतना ही बेहतर है। सोशल मीडिया पे नहीं जानते हो आप सामने वाले को, मत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मैं आपको बता रहा हूं ना, लिटरली मैं अभी वीडियो बना रहा हूं इस जून के महीने में ही। जून या जुलाई चल रहा है, मे बी जुलाई में भी चल रहा है। यहां पे मैं बता दूं अपना प्रीवियस हिस्ट्री, मैंने 2000 से ज्यादा लोगों को फेसबुक पे ऐड कर रखा है, और उनमें से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हजारों लोगों को मैं नहीं जानता, इवन कि मैं उनका फेस भी कभी नहीं देखा, और फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर रखा है। तो मुझे लगता है मुझे भी हटाना चाहिए और आपको भी हटाना चाहिए। आप लोग क्या इस पे कहते हो बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम। चलिए।